सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो। रेशियो के पेयर्स जिसको हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। फर्स्ट वन रूट 5/3 एंड 3/√7। डिनोमेटर को दोनों अलग अलग है, राइट। रूट 5/3 एंड 3/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √7 इंटू √5 इज इक्वल टू √35। 3 का मतलब क्या, √9, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3। सो √9 इंटू √9 इज इक्वल टू √81। ये 9 रूट में क्यों लिया है, क्योंकि 5 और 7 क्या दोनों रूट में, तो उसका आंसर रूट में आया, इसलिए 9 इसको 3 को रूट में लिया तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू √9 इज इक्वल टू 81। नाउ 35 ऑलवेज स्मॉलर देन 81, चाहे रूट में हो या कहीं पर भी हो, 35 ऑलवेज स्मॉलर देन 81, एंड दैट्स व्हाई 5/√5/3 लेस देन 3/√7। रूट 5/3 लेस देन 3/√7, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, 3√5/5√7 √63/125 √125। अब देखो कैसे क्या, मैंने 3√5 × 125 को मैंने कैसे लिखा, 25 × 5 कैसे लिखा मैंने, 25 × 5। अब देखो 25 × 5 लिखने के बाद क्या हुआ, 3 × 5 × 5 × 5 5 × √5। 3√5 ऑलरेडी वी हैव, इसका स्क्वायर रूट मैंने लिया तो क्या आया, 5 बाहर निकाला और रूट में क्या बचा, √5। ओके, सो 3 × 5 = 15, √5 √5 = 5, आंसर इज 75। गॉट इट एवरीवन, 75 कैसे आया। ओके, नाउ इसको भी मैंने वैसे किया, 5√7 × 63 मीन्स 9 × 7 = 63। सो 9 का स्क्वायर रूट लिया 3, √7 √7 आया, 5 × 3 = 15, √7 √7 = 7, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105। नाउ कंपेयर करो, 75 इज लेस देन 105, राइट, मीन्स 3√5 × √125 लेस देन 5√7 × √63, एंड दैट्स वाई 3√5/5√7 लेस देन √63/125। आया समझ में क्या किया मैंने, ओके, उसको मैंने लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आया और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, लोवेस्ट फॉर्म में लेने के बाद मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। 5/18 = 17/125, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 125 आंसर इज 605, 18 × 17 = 306, 605 ऑलवेज ग्रेटर देन 306, एंड दैट्स वाई 5/18 > 17/121। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई। अब देखो फोर्थ में वापस मैंने क्या किया है, √80/√48 एंड √45/√27। सॉल्यूशन, 18 को मैंने लिखा 16 × 5 और 48 को लिखा 16 × 3। ध्यान दो, देखो 80 को क्या लिखा 16 × 5 और 48 को लिखा 16 × 3। 45 9 × 5 = 27, 9 × 3। अगर इनको बाहर निकाला, देखो 4√5 / 4√3 एंड 3√5 / 3√3, इनके डिनोमिनेटर सेम है, देखो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है ना, √3 √3 है ना, राइट। देखो ये देखो, ये नंबर √3 √3 रहता है, यहाँ पर भी √5 √5 सेम है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, दोनों सेम आएंगे आंसर, राइट। Therefore, √80/√48 is equal to √45/√27. आया समझ में। अगेन देखो 4 × 3 = 12, ओके, √5 √3 √15, 12 √15, ओके, यहाँ पर देखो 4 × 3 = 12, √3 × 5 = 12 √15, दोनों सेम आया आंसर, एंड दैट्स वाई बोथ फ्रैक्शन आर इक्वल। नाउ 9/2 = 5.9, 5.2 and 5.1, 3.4 / 7.1, 9.2 × 7.1 = 65.32, and 3.4 × 5.1 = 17.34। अब देखो 65 और 70 दोनों में कंपेयर करोगे तो 65 ऑलवेज ग्रेटर,
So 65.32 greater than 17.34, and that's why 9.2 upon 5.1 greater than 3.4 upon 7.1. आया समझ में? ओके, लिख लो फटाफट.